दे आर सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, हाँ के ना, क्लियर है? जो एब्जॉर्ब फूड होगा वो ताकि इन ब्लड में जा सके, और विलय का काम क्या होता है, दे आर सिंगल लाइक प्रोजेक्शन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, इज इट क्लियर यस और नो? एंड एंड लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज, और इन लिम्फेटिक कैपिलरीज को बोलते हैं लैक्टियल। अरे कुछ माइक्रोब्स तो वहां पर भी होगा ना, तो इसीलिए वहां पे इम्यून सिस्टम का इन पार्ट का होना जरूरी इसलिए होता है ताकि उन हार्मफुल माइक्रोब को ये खत्म कर सके, आगे ना। यस हाँ, जो वहां के सेल्स होते हैं, जो उनके सरफेस होती है, दीज आर लाइन बाई सरफेस ऑफ विलाई आर लाइन बाई सम काइंड ऑफ सेल, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेरोसाइट बोलते हैं, जिनके पास क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक तो ब्रिस्टल मतलब समवॉट ब्रश टाइप का क्या होता है, कुछ प्रोजेक्शन होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो विलाई बोलते हैं, आगे ना। अरे इतनी बात हमको समझ में आई क्या? यस हाँ, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द सेल्स दैट लाइन, द सेल्स दैट लाइन द सरफेस ऑफ विलाई, द सरफेस ऑफ विलाई मतलब उसके अंदर की बात कर रहा हूं मैं, यस और नो, आर कॉल्ड इंटेरोसाइट, क्या बोलते हैं, इंटेरोसाइट, इज इट क्लियर? एंड बियर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो स्कोपिक ब्रिस्टल, ब्रिस्टल मतलब क्या, हेयर लाइक मतलब काफी पतला पतला ना, ब्रश टाइप का, हाँ ब्रिस्टल लाइक प्रोजेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड माइक्रोविलाई, यस और नो, क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई, क्लियर? माइक्रोवेलर इसीलिए यस क्या बोलते हैं, जो ये वाला इसका नेचर कैसा होता है, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। इससे पहले आप लोगों ने इसका नाम सुना है क्या? सुना है तो कहाँ सुना है, ब्रश बॉर्डर नंबर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, कोई दिक्कत है बोलो, नहीं सो आगे बढ़ूं क्या? एक मिनट हो गया, झील दिशा ऋषिका काकड़े आकांक्षा आर्यपरे आर्यस मेहरीन श्रावणी युक्ता, आगे बढ़ो। नेक्स्ट लिखते हैं इसका हम लोग फंक्शन के बारे में, ये काम करेगा बेसिकली जो विलाय, हम मैंने बहुत पहले बताया था, जो मान लो आपके पास क्या है, ब्रश का ये अगला वाला पोर्शन है ना, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, मतलब बहुत पतले पतले फाइन फाइबर होते हैं क्या, जब इन पर आप प्रेसिंग करोगे, जब इन पर आप प्रेस करोगे मतलब जब इसको दबाओगे, तो क्या ये फायदे, एक तो यहाँ पर इनका एरिया लिमिटेड है इस साइड,
अब मान लो इधर आप फोर्स कर रहे हो तो क्या ये इधर तक फैल जाएगा, कुछ तिरछा हो जाएगा, हाँ कि ना? मतलब yes. करने से क्या होता है, इनका सरफेस एरिया बढ़ रहा है क्या? तो सेम काम किसका होता है, माइक्रो विलाई का होता है। और विलाई से क्या होता है, क्योंकि अपना क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ा करके एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा करता है, किसका, डाइजेस्टेड फूड का या अनडाइजेस्टेड फूड का? नेक्स्ट लिखना आपको, दीज आर द हेल्प इन इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस एरिया, इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन किसका, ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑफ न्यूट्रिएंट बोला जाए या डाइजेस्टेड फूड बोला जाए? अरे बोलो सर, एक मिनट पीछे वाला स्लाइड बताऊं। हो गया क्या इसकी बात तुम्हें समझ में आई क्या? यस सर। आगे बढ़ूं? नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, ऑन द सरफेस ऑफ जो म्यूकोसा था ना, म्यूकोसा जो कवरिंग थी, इनर कवरिंग, इनर लाइनिंग, क्या बोलते हैं, म्यूकोस एपिथेलियम, हाँ कि ना? अरे बोलो। ऑन द सरफेस ऑफ म्यूकस एपिथेलियम, एपिथेलियम वहां पर क्या मिलेंगी बताओ, म्यूकस या गॉबलेट सेल्स मिलेंगे, म्यूकस और गॉबलेट सेल्स, क्लियर, आर प्रेजेंट एंड सेक्रीट म्यूकस। और इस म्यूकस से हेल्प क्या होता है, दैट एक्ट एज लुब्रिकेंट, हाँ कि ना, ताकि जो फूड के जो फूड पार्टिकल है उनको मूव करने में आसानी हो, हाँ कि ना? अरे बोलो। प्लस इट प्रोटेक्ट एसिड, वहां से आपके स्टोमक से क्या निकलता है, एसिड का एसिड निकलते हैं, अरे हाँ कि ना? हाँ सर। एसिड निकलेगा, अब यानी कि 5 पीएच की वैल्यू 5 या 6 होती है, एक या एक से दो के बीच में होती है, तो बहुत ज्यादा पीएच है या बहुत कम पीएच है, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक है या बहुत कम एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक, जितना एसिडिक है आप सब के साथ डूब जाओगे, गल जाओगे, तो फिर सोचो अंदर का स्टमक कैसे बचा हुआ रहता है, तो कंटिन्यूअसली उनके लेयर्स में क्या होती है, म्यूकस की सेक्रेशन होती रहती है, तो म्यूकस निकलती रहती है और उनको कुछ हो नहीं पाता है, तो इट फॉर इट प्रोटेक्ट फ्रॉम इसके जलने की, हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन मतलब कि फ्रॉम बर्निंग, और कभी कभी क्या होता है इनके सूख जाने से, मतलब इनके कम होने से आपको जलन होती है, हाँ कि ना, एसिडिटी हो जाती है, तो आपको क्या दिया जाता है, एंटा एसिड दिया जाता है, आगे ना, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उससे क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, आपकी थोड़ा तबियत आराम और नॉर्मल होती है, क्लियर है? यस। मैं ना एक्ट एज ल्यूब्रिकेंट एंड प्रोटेक्ट द, मैं यहां से लिख रहा हूँ, प्रोटेक्ट, एक मिनट, मैं उसे कंटिन्यू यहां लिखना हूं, एक्ट एज ल्यूब्रिकेंट एंड प्रोटेक्ट एंड
प्रोटेक्ट द एपिथेलियल सरफेस, एपिथेलियल सरफेस फ्रॉम डैमेज एंड डाइजेशन। आगे ना कितना लिखा क्या आप लोगों ने, बोलो। हो गया सर, सब में लिखा। आगे बढ़ो, ये जो आपके पास विलाई होते हैं, इसका हम लोग डायग्राम भी बनाएंगे। ये जो आपके पास विलाई होती है, इनके बेस पे कुछ स्पेस होती है, क्या होती है, इनके बेस पे कुछ स्लिट लाइक स्मॉल छोटा सा स्पेस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जहां पर क्या प्रेजेंट होती है, कुछ सेल्स होती है, उसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिवर कैंस, क्रिप्ट ऑफ लिवर कैंस बोलते हैं। कभी नाम सुना है आप लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एट द बेस ऑफ विलाई स्मॉल स्लिट लाइक स्पेस आर प्रेजेंट, स्लिट लाइक स्पेस इज फाउंड, जिसमें क्या होती, बोलो। और ऐसे ही स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्ट, क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, हिडन, क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, हिडन, मतलब ये ऐसा स्पेस, ऐसा कुछ छोटे पोर्ट होते हैं जो कि विलाय के बेस पे होती है। आगे ना, कहाँ पे होती है, विलाय के बेस पे होती है, और इनका बहुत सारा काम होता है, जैसे कि कुछ हार्मफुल जो माइक्रोब होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। आगे ना, तो क्रिप्ट का मतलब ऐसा होगा कि आपको दिखेगा नहीं, इसलिए हम लोग बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिवर कैंस, लिवर क्यूहन। जिसने एनसीईआरटी पढ़ा होगा उसको ये टर्म अच्छे से याद होगा। बात समझ में आई क्या? अरे बोलो। यस। और जो अपना वो जो लेयर था किसका, विलाय का, उनकी जो वो लेयर होती है उसके नीचे होती है, बीनीथ द लेयर, इसलिए उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्रिप्ट, क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन, क्लियर। अरे बोलो। इनका बहुत सारा काम होता है, होस्ट के डिफेंस मैकेनिज्म में भी काम करता है, जैसे कुछ माइक्रोब वगैरह होगा और कुछ सिग्नल भेजना होगा उसमें भी ये काम करता है, कौन, क्रिप्ट के लिवर क्यूएन। बात समझ में आई क्या? अरे बोलो। यस। आगे बढ़ो। एक स्ट्रल के पॉइंट लिखना या नोट डाल करके, मैक्सिमम विलाई कौन से बॉडी के पार्ट में प्रेजेंट होती है, आर प्रेजेंट इन, मैंने ऑब्वियसली मिलने से कहाँ मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, या कहीं और भी मिल सकता है,
कहाँ मिलेगा? हेलो, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने तीन पार्ट बताया था, कौन कौन सा? डुओडेनम जेजुनम और इलियम। हाँ, डीजेआई के तौर पे मैंने बताया था, ड्यूडेनम नहीं बताया उन्होंने क्या? बताया 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 बताया, तो मैक्सिमम विलायक प्रेजेंट इन किसमें? ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम या ऑल ऑफ दीज, कौन सा बोलो? जे जेजुनम। जे जेनम, बात समझ में आई? बोलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब म्यूकोसल और ड्यूडेनल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनल ग्लैंड बोलते हैं। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं है। हाँ, बेसिकली दीज आर मल्टी सेलुलर स्फेरिकल ग्लैंड, छोटे होते हैं, स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर के होते हैं एंड यूनिसेल्यूलर नहीं होते हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंड होते हैं। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अरे बोलो, और ये कहाँ मिलते हैं आपको? दे ओपन इनटू द सी ऑयल, क्रिप्ट और लिवर क्वेन, ये उसमें ओपन होते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइन ट्यूब्यूल्स, हाँ कि ना? अरे बोलो, यस हाँ, जो आपके पास सब म्यूकोसा डिटेनम होगा ना, क्योंकि सब म्यूकोसा तो हर जगह होगा, अरे पूरा एलिमेंट कैनाल का जो लेयर है सब म्यूकोसा हर जगह होगा, तो ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में ये प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमने क्या बोला? सब म्यूकोसल और ड्यूडेनल ग्लैंड भी बोलते हैं। बात समझ में आई क्या? यस सर। आगे बढ़ूं? यस नेक्स्ट लिखना पैनेट सेल्स, बेसिकली दीज सेल्स आर फाउंड इन सी ऑयल, मतलब क्रिप्ट ऑफ लिवर क्वेन, आगे ना? अच्छा एक मिनट, इससे पहले एक पॉइंट और लिख लेना आप लोग, उसमें जो स्मॉल स्फेरिकल मल्टीसेलुलर ग्लैंड है इनका काम क्या होता है? कुछ नॉन, देख, एक तो होता है एंजाइमेटिक फ्लूड, ये ऐसा फ्लूड करेगा जो कि एंजाइम की तरह काम नहीं करेगा, इसे क्या बोलेंगे? नॉन एंजाइमेटिक अल्कलाइन फ्लूड, ताकि जो आपके पास HCl का सेक्रेशन होता है ड्यूडेनम एपिथेलियम के, अच्छा जो अपना स्टोमेक होती है ना, स्टोमेक उसका अपने पास अलग अलग पार्ट भी होता है, कार्डियक होती है, फंडिंग होती है, वो बॉडी होती है और पाइलोरी होती है, हाँ कि ना? जो वहां से एसिड का सेक्रेशन होगा तो वहां से एचसीएल आगे भी आएगा, तो वो उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे, उसको जलाकर एक्सपो क्रिएशन ना कर दे, इसलिए वहां पर क्या होती है? अल्कलाइन म्यूकस की सेक्रेशन होती है, अरे हाँ कि ना? अरे जिस फूड में वो मिक्स होगा तो पूरा फूड भी तो एसिडिक हो जाएगी ना, वो आगे बढ़ेगा तो आगे भी सेंसेशन बर्निंग कॉज करेगा, तो ये बर्निंग ना कर सके, ये सेल्स क्या करते हैं? नॉन एंजाइमेटिक अल्कलाइन म्यूकस का सेक्रेशन करता है, हाँ कि ना? सेक्रेट नॉन एंजाइमेटिक अल्कलाइन अल्कलाइन म्यूकस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम HCM। HCl, हाँ कि ना? टू प्रोटेक्ट ड्यूडेनल एपिथेलियम ना,
ड्यूडेनल एपिथेलियम फ्रॉम HCL। कोई दिक्कत? नहीं सर। आगे बढ़ो। यस सर। एवरीवन डन? जेल। नेक्स्ट बात करते हैं पेनस सेल्स के बारे में। कौन सा सेल? पेनस सेल्स बेसिकली फाउंड इन कहाँ मिलेगा बताइए? क्रिप्ट ऑफ लिवर क्वेन। बोलो, इसे बोलते हैं COL। क्लियर है? और भी कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये होते हैं वैसे यूनिसेलुलर ग्लैंड। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ग्लैंड होते हैं। कोई दिक्कत? अरे बोलो। सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। अरे बोलो। प्लस सीक्रेट डिफेंसिंग। अरे बोलो तो। एंड लाइसोजाइम, एंड लाइसोजाइम। सो जिनकी वजह से क्या करेगा बताइए? इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। अरे बोलो। एंड इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। क्या मेरी बात समझ में आई तुम लोगों को? बताओ। हाँ सर। आगे बढ़ो। जिन लोगों को नेक्स्ट लिखिए पेयर्ड पैचेस। पेयर्ड पैचेस कुछ देर पहले हम लोगों ने पेयर्ड पैचेस का नाम लिया था ना? स्पेलिंग चेक कर लेना ना, वहां पे क्या लिखा था। बेसिकली जो आपके पास लिम्फोइड सेल्स होते हैं, क्या होते हैं? लिम्फोइड जो सेल्स होता है, क्या बोला मैंने? लिम्फोइड सेल्स होता है। लिम्फोइड कहाँ मिलेगा आपको? लिम्फ नोड का आपने नाम सुना है। तो लिम्फ नोड जो होता है आपके पास, अच्छा अभी हमने बात किया था माल्ट के बारे में ना, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। सो बेसिकली दीज पेनस सेल्स आर एग्रीगेटेड लिम्फ नोड, आगे ना, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में मिलता है, आगे ना। और हमने अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। तो ये इलियम वाले हिस्से में क्या मिलेगा? पेयर्ड पैचेस मिलते हैं, आगे ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समवॉट स्ट्रक्चर कैसा होता है? जो आपके टॉन्सिल्स भी बाहर निकल आते हैं क्या, तो कुछ स्ट्रक्चर वैसा ही होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल टॉन्सिल भी बोलते हैं इसे। क्या बात समझ में आती है विभा? आती है? अच्छा चलो, काकड़े समझ में आती है? सर। वो नाम बोलो तो तुम्हें सुनाई नहीं पड़ा, ये नाम तुम समझ रहे हो तो बात। क्या इसकी बात समझ में आ गया क्या? सो दीज आर एग्रीगेटेड लिम्फ नोड which are found in mucosa of small intestine। वो भी कौन सा? इलियम। बोलो। हाँ सर। आगे बढ़ो क्या सर? हाँ सर।
सर डिफेंसिन क्या होता है? डिफेंस बॉडी के डिफेंस के लिए काम करता, द केमिकल विच एक्ट फॉर द डिफेंस ऑफ द बॉडी दैट इज द डिफेंसिन और लाइसोजाइम। ओके सर, बोलो। ओके सर, सर खास तौर से डिफेंसिन में आपके पास न्यूट्रोफिल्स वगैरह आता है और कुछ एपिथेलियल सेल्स आता है, ठीक है। आगे बढ़ो। यस, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए ईसोफेगस। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखेगा? ईसोफेगस। सर ईसोफेगस क्या होता है बोलो? पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली ईसोफेगस का अगर डिफाइन करने का आपको मौका मिलेगा, क्या बोलोगे आप? फिर पहले बात तो क्या होता है, इट इज थिन, नहीं पतली होती है, ज्यादा मोटी नहीं होती, थिन के साथ साथ लॉन्ग भी होती है, कि ना लॉन्ग, सिंपल, यूनिफॉर्म, ट्यूब, कि ना प्रेजेंट क्या होता है, पोस्टेरियरली मतलब विंड पाइप के पीछे, यस और नो? यस। थिन, लॉन्ग, सिंपल, यूनिफॉर्म, ट्यूब, प्रेजेंट पोस्टेरियरली एंड पियर्स द डायफ्राम। And opens into stomach. Clear? एक और बात, अभी हम लोगों ने बात किसके बारे में किया था? विलाई के बारे में। तो विलाई का आप लोग समझ लीजिए, विलाई कैसी होती है, आपका सेंसिटिविटी है, अगर नहीं है तो कुछ आपके पास इस तरीके से क्या होता है, लेयर होती है, क्लियर है? ये एस्पोरेशन के नीचे वाला लेयर हो गया और ये उसका मतलब मैं उसका एक क्रॉसन करके ऊपर का बता रहा हूँ, नीचे वाला का। तो इसका जो ये इसका लेयर है ये किसका है? इंटेस्टाइन का। कौन सा है? म्यूकोसा है, कि ना? तो इसमें क्या होता है, कुछ बहुत छोटी छोटी सी क्या होती है, फोल्ड्स होती है, सिकट होती कि नहीं होती? अरे बोलो। फोल्ड्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, हाँ कि ना? अरे बोलो तो। yes. और इसी के अंदर कुछ छोटे छोटे क्या होती है, लैक्टियल्स प्रेजेंट होती है, मतलब लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती है, सो नो? आर्टरीज प्रेजेंट होती है, क्रिप्ट भी प्रेजेंट होती है। क्रिप्ट कुछ इस टाइप का होता है, जैसे मान लो इधर है कुछ डीप स्ट्रक्चर बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्ट ऑफ लिवर क्यूहेन बोलते हैं, हाँ कि ना? और जो ऊपर तक जो बना हुआ है विलाई, हाँ कि ना, ये पूरा वाला स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, हाँ कि ना? और इसके अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, लिम्फेटिक वेसल जो है, लिम्फेटिक टिश्यू जो है, दैट इज द लैक्टियल। लिम्फेटिक वेसल क्या बोलते हैं यहाँ पर हम लोग, लिम्फेटिक कैपिलरी, लिम्फेटिक वेसल क्या यहाँ पर क्या बोलते हैं बोलो, क्या बोलते हैं? And these are supplied with numerous arteries and veins. और इसी में तो food का absorption होगा. So these villi will absorb food from the small intestine. Yes or no? By increasing the surface area, जितना ज्यादा surface area होगा उतने ज्यादा ये absorb कर पाएगा. Clear है? तो आपको ये diagram एनसीईआरटी से बना करके notes बनाना है, ठीक है? Yes. ये diagram बनाना है villi वाला. पेज नंबर है आपके पास 260, फिगर 16.5, ये डायग्राम बनाना है।
बना लोगे? यस। जगह छोड़ दो उसके लिए। तो हम लोग क्या बात करते हैं इसो सजेस्ट के बारे में। तो जैसे आप अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक बच्चे का नाम है वी से, का नाम है के से, तो चलिए अगर मान लो इस क्लास में सबसे ज्यादा माउथ किसका बड़ा है, बक्कल के बेटे सबसे ज्यादा बड़ा किसका है? तो अभी सामने में देखने में काफी बहुत छोटी लगती है, मैंने क्या किया किसी बच्चे के मुंह में उसको मैंने बोला कि तू अंदर चला जा। जब वो अंदर जाएगी तो जो आपका बक्कल कैविटी का जो नेक्स्ट एक्सटेंडेड पोर्शन है, जब वहां से ऊपर से झांकेगी ना वो, तो वहां पे जो आपका बक्कल कैविटी का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ओरो फेरेंजियल कैविटी, वहां पर उनको दो स्लिट दिखेगा। क्या दिखेगा? दो एपर्चर दिखेगा आगे ना। तो फॉर एग्जांपल अगर वो सामने से अंदर एंटर की है तो उनके पहला क्या दिखेगा, दैट इज द विंड पाइप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। क्लियर है? जब ऊपर से देखोगे तो एक तो इस तरीके से एपर्चर दिखेगा, एक एपर्चर इधर दिखेगा आगे ना। तो यहाँ पे जो एपर्चर दिखेगा दैट इज मेड बाय ग्लोटिस, इसके ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। इसके पीछे क्या होता है, ये इसोफेगस होता है, इसोफेगस होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस। तो दिस विल बी द वेंट्रल एंड दिस विल बी द डॉर्सल। उस ऑर्गन के हिसाब से ये वाला क्या होगा वेंट्रल, ये वाला क्या होगा डॉर्सल। ये सिर्फ जिसके अंदर काकर जाएगी वो नहीं, सबके अंदर ऐसा ही होता है। पहले आगे वेंट पाइप मिलेगा और पीछे में क्या मिलेगा, फुट पाइप मिलेगा, दैट इज द इसोफेगस। अच्छा, आगे और पीछे होने की वजह क्या है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमें इनहेल करना होता है। अगर हमें हर वक्त खाना खाना होता इंस्टेड ऑफ इनहेलेशन तो हमारा फूड पाइप पहले होता। अरे हाँ कि ना, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। हाँ, तो मैंने क्या बोला, ये जो आपके पास थिन लॉन्ग ट्यूब है, सिंपल यूनिफॉर्म ट्यूब है जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है, डायफ्राम को छेद करता हुआ कहाँ पे खुलता है, स्टोमेक में खुलता है। सो इसोफेगस और स्टोमेक के बीच में, मतलब फॉर एग्जांपल इधर से क्या आएगा, आपने ये वाला एलिमेंट कैनल का डायग्राम बनाया था पहले फर्स्ट लेक्चर में। यस। तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है कि आपके पास होता है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है। क्या होता है? स्फिंक्टर होता है जो कि इनके ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। अगर यहाँ पे एक स्फिंक्टर नहीं होती तो हम जो तुरंत खाते तुरंत स्टोमक में, जो खाते तुरंत स्टोमक में, और बेचारा स्टोमक काम करके थक जाता, बोले कर ले भाग सब आगे नहीं हो पाए, सबर कर ले तो मैं डाइजेस्ट कर लूँ फिर खा लें। वैसे अगर स्फिंक्टर यहाँ पर नहीं, तो मैं थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाता हूँ, क्लियर है? एक स्फिंक्टर यहाँ पर होती है, अगर यहाँ पर स्फिंक्टर नहीं होती, इधर से आता इधर से निकल जाता, अरे डाइजेस्ट ही नहीं पाता। जो सिंपली कहाँ पर होता है, डायरिया के कंडीशन में होता है। मतलब जैसे जैसे खाते सेलेक्टिव खाते या विंग्स खाते, सब एज इट इज निकल जाता, तो हमें एनर्जी मिल ही नहीं पाती, मतलब हम फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अरे हाँ कि ना, तो एनर्जी नहीं मिलेगी तो फ्यूल ही सेल में, जब सेल का फ्यूल ही सेल मर जाएगा, जब सेल मर गया तो हमें जिंदा रहने से क्या फायदा, हम जिंदा ही नहीं रह सकते, हम खत्म। तो क्या होता है, दिस आर रेगुलेटेड बाय सम स्फिंक्टर। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या ये स्फिंक्टर का नाम याद है तुम लोगों को? यस। समझ में आई तो बोलो यस सर। सबको आ रही है, बोलो कोई दिक्कत है? अरे बोलो। अगर इसोफेगस के बारे में बात करेंगे ना, तो उसमें सिरोसा प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन वहां पर टुनिका एडवेंटिशिया प्रेजेंट होती है। क्लियर है? इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, वैसे जरूरत है नहीं आपको, इट लेक्स सिरोसा, मतलब आउटर कवरिंग इनके पास नहीं होती, उनकी जगह कुछ और होती है, इनको क्या बोलते हैं,
टूनिका एडवेंटिशिया बोलते हैं, मतलब एक्सटर्ना बोलते हैं। क्लियर है? इट लेक्स सिरोसा बट टूनिका एडवेंटिशिया इज प्रेजेंट। कोई दिक्कत? बोलो। अरे बोलो ना। नाइस नाइस। लिखा है इतना क्या? तो मैंने बोला टू एपर्चर मिलेगा जब काकड़ी अंदर जाएगी, और उसके एपर्चर को देखने के लिए मैं किसी प्रोब को भेज दूंगा, ठीक है? इज प्रेजेंट इन ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। क्लियर है? इस फेरिंग्स में जो पहला वेंट्रल एपर्चर होगा, क्या बोला मैंने? वेंट्रल एपर्चर का मतलब छेद, हाँ कि ना? दैट इज ग्लोटिस। अरे हाँ कि ना? अरे बोलो। हाँ सर। वेट अ मिनट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ग्लोटिस बोलते हैं, हाँ कि ना? जो कि किससे रिलेटेड है बताओ? लैरिंग से है कि नहीं, हाँ कि ना? अरे साउंड बॉक्स विंड पाइप से रिलेटेड है कि नहीं, बोलो? यस। एयर के लिए अलग पैसेज है, फूड के लिए अलग पैसेज है, इसीलिए एक बार बोलो थैंक्स टू द क्रिएचर, हाँ कि ना? ऐसा होता दोनों के लिए कॉमन होती, सोच क्या होता? या विंड पाइप पीछे होती, फूड पाइप आगे होती, सोच क्या होता? इसलिए थैंक्स टू क्रिएचर बोलो, थैंक्स टू गॉड बोलो, हाँ कि ना? अरे बोलो। अच्छा, ये वाला जो एपर्चर है दिस इज गार्डेड बाय, कौन होता है इसको गार्ड करने के लिए? बोलो। एपिग्लॉटिस। गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस के ऊपर जो क्या बोलेंगे? एपिग्लॉटिस बोलेंगे। अरे हाँ कि ना? यस। हाँ, दिस इज इलास्टिक कार्टिलेजिनस। आगे बढ़ो मैं। गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस, और ये क्या होता है? इलास्टिक कार्टिलेजिनस होती है। आगे बढ़ो। yes. इलास्टिक कार्टिलेजिनस, हाँ कि ना? जो कि विंड पाइप में फूड को एंट्री करने से रोकता है जब हम फूड को इनगल्फ करते हैं ड्यूरिंग स्वेलोइंग, हाँ कि ना? बाय चांस कभी ऐसा होता है, अच्छा जब हम खाना खाते हैं ना, तो ड्यूरिंग स्वेलोइंग हम इनहेल नहीं करते, ये ध्यान रखना। जब ऐसा होगा तो आपके विंड पाइप में फूड चला जाएगा, जिनकी वजह से आपको हिचकी आएगी, और आपको इतनी तगड़े वाली हिचकी आएगी, आपका जो फूड है ना जो अंदर किया है वो तो नोज के थ्रू निकल जाएगा। तभी ऐसा हुआ है, जब हो जाता मुझे बताने में फिर ऐसा हुआ, ठीक है? अरे बोलो। अरे बोलो ना। हाँ, इसमें नेक्स्ट लिखना जो दूसरा वाला एपर्चर है, द सेकेंड एपर्चर, जो कि डोर्सली प्रेजेंट होता है, डोर्सली प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? गलेट बोलते हैं। गलत नहीं, गलेट। क्लियर? विच ओपन्स इनटू, अरे बोलो, ईसोफेगस। अरे बोलो ना, ईसो फेगस। मेरी बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है? नहीं सर। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट डाल के लिखना। स्फिंक्टर, क्या लिखना? स्फिंक्टर बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टोमेक,
उसका नाम क्या था बोलो? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। पहले बताया था कि आपको बोलो यस सर, क्या बोलते हैं इसको? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? नहीं सर। है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट इतना हो गया, आगे बढ़ो। यस सर। नेक्स्ट लिखो स्टोमक। नेक्स्ट लिखो स्टोमक। क्लियर? स्फिंक्टर यहाँ पर होगा, S1 बोलो इसको। अरे क्या बोलो, क्या बोलोगे? S1 और ये S2, that is स्फिंक्टर 2, हाँ कि ना? इसके आगे क्या मिलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन मिलेगा। तो ये वाला जो स्फिंक्टर है ना, इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल, हाँ कि ना? स्फिंक्टर। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। जो दूसरा वाला है इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या इतना याद रखोगे? यस सर। स्टेप बाय स्टेप कुछ सर्टेन लिमिट तक ही फुट, क्या बोलते हैं इसको, स्पेल बाय स्पेल और सेशन बाय सेशन फुट का पैसेज हो पाए। अगर ये सब गार्ड करने वाला रहेगा ही नहीं तो गया, निकल गया, मतलब तुरंत खाते खाते मुझे वाशरूम जाना पड़ गया। अरे हाँ कि ना? तो ऐसा ना होने के लिए था नेचर ने बनाया है। कोई दिक्कत? क्या इतनी बात आप सबको समझ में आई? ये वाला रीजन क्या है? इसोफेगस है, क्या है? और इसका लेवलिंग एनसीईआरटी आप लोग डायग्राम अच्छे से बनाना, ठीक है? हाँ, इसका भी अलग अलग रीजन होता है आपके पास स्टोमेक का। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? स्टोमेक का अलग अलग रीजन होता है। इस पोर्शन को बोलते हैं फंडस या फंडिक रीजन। अरे बोलो, ये वाले को बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं? कार्डियक नॉच। क्लियर है? बाकी ये वाला को बोलते हैं बॉडी, मतलब जैसे हर पार्ट तक अपना अलग अलग बॉडी है, हर पार्ट का अपना अपना अलग अलग बॉडी है। वैसे स्टोमक का मेन बॉडी कौन सी है? ये वाला रीजन जिसको हम लोग अभी लेवल किया, दैट इज द बॉडी, हाँ कि ना? ये वाला रीजन को बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। इसीलिए जो स्फिंक्टर यहाँ पर प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। और ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं, मतलब ड्यूडेनम का एंटीरियर पोर्शन है। अरे बोलो, एंटीरियर बोला जाए या सुपीरियर पोर्शन ऑफ द ड्यूडेनम है? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? डायग्राम सबने बनाया? Yes. अरे बनाया क्या? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ो, क्या बोलो? Yes. Yes. पहला पॉइंट लिखेगा, क्या लिखेगा पहला पॉइंट? इट इज सिचुएटेड इधर लेफ्ट साइड या राइट साइड? अरे बोलो, जैसे आप लोग खड़े हो ना, जैसे मान लो आपके पास, मैं आपको सिंपल से डायग्राम बता रहा हूँ, जो आपका बॉडी है ना, तो इस तरीके से आपका स्टोमक आपको बॉडी में होती है। मतलब जैसे मेरे इधर हुआ ना, किधर हुआ मैं, लेफ्ट साइड हो गया राइट साइड हुआ? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड पूरे बॉडी क्या होता है? लेफ्ट साइड होती है पूरे बॉडी का। जो लेफ्ट, एक तो आपका राइट हाफ है, एक लेफ्ट हाफ है। जो आपका राइट लेफ्ट हाफ होती है उस साइड में होती है ये आपका स्टोमक, हाँ कि ना? इसलिए कभी भी अगर जलन होता है तो आप इधर ही हाथ देते हैं, आप कभी राइट साइड में हाथ नहीं आएगी आपकी,
अरे बोलो ना, सिचुएटेड ऑन लेफ्ट साइड। क्या सबको मेरी बात समझ में आई? यस। ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अरे कौन सा कैविटी? एब्डोमिनल कैविटी। कौन दिक्कत है क्या? ऐसा बोल सकते हैं वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कौन सा कैनाल? वाइडेस्ट पार्ट। सोचो इससे ज्यादा कोई वाइडेस्ट पार्ट होगा क्या? अरे बोलो। नहीं सर। सो इट इज मस्क्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है? मस्क्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? बोलो। यस। तो सवाल आपसे पूछेगा एनसीईआरटी में तीन ऑप्शन दे रखा है, कार्डियक दे रखा है, फंडिक दे रखा है और पाइलोरिक दे रखा है। तो व्हाट आर द रीजन ऑफ स्टमक, तो आप क्या क्या बताओगे? कार्डियक होता है जिससे जिसमें क्या खुलता है, इसोफेगस ओपन सब होता है। अरे हाँ कि ना। देन फिर बीच वाला नेक्स्ट अपर जो ऊपर वाला क्वेश्चन क्या बोलते हैं? बोलते हैं जिसे आप लोग हम लोग पढ़ेंगे यूटेरस के बारे में ना क्लास 12th में। तो मेन बॉडी को वहां पर क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं बोलो? फंडस। तो इसोफेगस के जो ओपन होते हैं उसको बोलेंगे हम लोग कार्डियक। उसके जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंडिक। फंडिक बोलते हैं या फंडस बोलते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट वाला पोर्शन है स्टोमेक का उसको बोलते हैं पाइलोरिक। था कि ना? यस। कोई दिक्कत है? नहीं सर। आगे बढ़ो। हाँ सर। अगर स्टोमेक का आपसे अगर शेप पूछा जाए तो क्या बताओगे? जे 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 फोर जे जे आगे ना। अच्छा जे जे नहीं ए जे याद है क्या? एक्शन जैक्शन। जे जे फोर जे जे नहीं ए जे एक्शन जैक्शन। बात बात से बहुत कुछ याद आती ना। सो स्टोमेक इज क्या बोला मैंने? जे शेप। ये सिंपल कुछ नहीं, अगर आप ऐसे तरीका खोजोगे ना तो याद करने का बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ये जे शेप्ड क्लियर स्ट्रक्चर। क्लियर है? यस। yes. अगर स्टोमेक का अगर रीजन पूछा जाए तो कितने रीजन इनके पास है? स्टोमेक कंटेंस डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। तो कार्डियक होगा उसको कार्डिया भी बोल सकते हैं। हाँ कि ना? फंडिक बोलते हैं। और बोलो और क्या बोलते हैं? बोलो। बॉडी होती है और बोलो पाइलोरिक। अरे कौन सा लोरिक? पाइलोरिक। हाँ कि ना? इनके पास दो ओपनिंग होती है। स्टोमक के पास दो ओपनिंग होती है, कहाँ कहाँ होती बताना? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर में और पाइलोरिक स्फिंक्टर में। हाँ, तो जो गैस्ट्रो वाला इसोफेजियल स्फिंक्टर है उस ओपनिंग को बोलते हैं कार्डियक ओरिफिस। क्या बोलते हैं? कार्डियक ओरिफिस। दैट कार्डियक ओरिफिस इज जॉइंट बाय द लोअर एंड ऑफ इसोफेगस। गॉट माय पॉइंट? हाँ जी। हाँ कि ना? नेक्स्ट आपके पास पाइलोरिक ओरिफिस। तो पाइलोरिक जो ओरिफिस है दैट ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या मेरी बात याद आएगी? अच्छा, ओरिफिस का मतलब इससे पहले आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा आई डोंट नो, बट मैं अभी बता रहा हूँ। ओरिफिस का मतलब या ऊज का मतलब क्या होती है? ओपनिंग। क्या होती है? ओपनिंग। हाँ, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12 तो वहां पर हम लोग बात करेंगे वेजाइनल ओरिफिस। तो वहाँ पे जो वेजाइना के अंदर जो सर्विक्स जो कैनाल होती है वहाँ पे दो ओपनिंग होती है, एक जो वेजाइना से जॉइंट होती है, एक जो यूटेरस के लिए वो अंदर जाती है। तो जो बाहर वाला ओपनिंग है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऊज या एक्सटर्नल ओरिफिस। अरे हाँ कि ना? या फिर जो यूरेथ्रा का ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओरिफिस। जो वेजाइना की ओपनिंग होती है, जो वेजाइनल कैनाल होता है उसको बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस।
हाँ, जो सर्विस का इंटरनल पार्ट होती है उसको बोलते हैं इंटरनल उस। तो सर्विस के पास दो पार्ट है, इंटरनल उस और एक्सटर्नल उस। क्या मेरी बात समझ में आई? सर। हाँ, तो ऐसा बोल सकते हैं स्टोमेक हैज, इट हैज टू ऑरिफिस, दो ऑफिस नहीं ऑरिफिस, हाँ जी ना, कहीं आप ऑफिस मत समझ लेना, क्लियर है? इसमें पहला क्या होगा? कार्डियक वाला होगा, बोलो, कार्डियक ऑरिफिस जॉइंड बाई लोअर एंड ऑफ, बोलो, अरे बोलो ना, ईसोफेगस, गॉट माय पॉइंट? अरे बोलो ना, यस पाइलो, सर। नेक्स्ट क्या है? पाइलोरिक ऑरिफिस दैट ओपन इनटू, कहां पर बोलो तो, बोलो ना, ब्लोडर। ड्यूडेनम, जो बोलते हैं ना माउंटेन ड्यू, या फिर कुछ कोई परफ्यूम भी आता है ड्यू नाम से, आई डोंट नो। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मेरिन, निष्का, जील, दिशा, यस आकांक्षा, आर्या बड़े, आर्य, मेरिन, युक्ता, श्रावणी, यस ऑल आर वेरी वेरी डैश। सुनते नहीं, एक बार आगे बढ़ो क्या? सर। इसमें क्रिस्टल के पॉइंट लिखना, ये जो स्टोमेक है ना, बेसिकली इट इज कवर्ड बाय अ लेयर, स्टोमेक इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, कोई दिक्कत है? फैट टिश्यू और लिम्फ टिश्यू उसमें डिपोजिटेड होते हैं। आगे बढ़ो, मैं अरे आगे बढ़ो, यस इसमें नेक्स्ट लिखना, क्या बोला मैं अभी? फैट टिश्यू एंड लिम्फ टिश्यू डिपॉजिट्स ऑन इट, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? नो जब हम खाना खाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू मैस्टिकेट द फूड, करते हैं ठीक है, फिर हम का ये खाना बनेगा, फिर बोलस बनेगा, हाँ कि ना, काइम बनेगा, मतलब जो भी मिक्सअप होगा, सलिवरी ग्लैंड से सब सेक्रेशन होगा, तो फाइनली कहाँ में जाके ओपन होगा? स्टोर होगा, स्टोमक में। इन स्टोमक फूड कितने देर तक रहती है, बोलो, कौन बताएगा? कोई समझदार स्टूडेंट है मेरे पास? 3 to 4 hours, कितना? 3 to 4 hours, कहाँ पढ़ा वो छोटे थे तभी पढ़ा था। था? इसमें लिखिए स्टोमेक स्टोर्स फूड फॉर 4 to 5 hours, क्लियर है? अरे बोलो, यस। जब ये 4 से 5 घंटे के लिए वहां पर स्टोर होगी तो क्या इसकी मेहमान नवाजी की जाएगी या इसका कचूमर निकाला जाएगा, बोलो? क्या इसका अच्छे से खातिरदारी की जाएगी या इसका रिस्पेक्ट किया जाएगा या फिर इसका कचूमर निकाला जाएगा?
कचुंबर निकाला, क्या निकालेंगे? कचुंबर। कचुंबर, कचुंबर मतलब क्रश करेंगे ना। तो जब वहां पर ये स्टोर्ड होगा देन दे विल मिक्स विद, बोलो, फूड मिक्सेस विद, बोलो, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, मिक्सेस विद एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, क्लियर, बाय चर्निंग मूवमेंट। ये पता कैसे है, जैसे कभी आपने देखा है एनाकोंडा जो किसी इंसान को लपेटाओ तब से लपेट रहता है वो? यस सर। किस तरीके से उसको मोड़ता है तोड़ता है, आपने देखा होगा मूवी एनाकोंडा मूवी में। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर होती है। एक मैं आपको फोटो भेजूंगा स्टोमेक का। तो फिर इतनी रफ एरिया होती है, और जो आपने बिल्डिंग की जो मटेरियल बनता है तो वो तो खैर कुछ नहीं होता सामने, इसके अंदर बहुत सारी रफ पैचेस होती है। उसमें फूड फूड कुछ उसमें शेप लेगा, फिर उसको क्रश किया जाता है, फिर इसे पीसा जाता है। मतलब ये जो जो आप लोग ग्राइंडर में यूज करते हैं ना, ग्राइंडर या ग्रेनर जो भी बोलते हैं, उससे पूरी हाल की जाती है इसकी। चाहे बोन्स खाओ या लेग पीस खाओ या विंग्स खाओ, कुछ भी खाओ, केकड़ा खाओ या फिर क्या बोले, जो भी कुछ भी खाओ, सबकी ऐसी तैसी करता है ये, बिल्कुल क्या बन जाता है, पेस्ट बन जाता है आगे ना। तो क्रशिंग का काम कौन करता है? स्टोमेक करता है। एक तो हम पहले अपने टीथ के थ्रू उसको अच्छे से उसका कचुंबर निकाल चुके होते हैं। जो बचा खुचा चीज होता है वो जो एक्चुअली जो हम खाना जो एक्चुअली हम सिर्फ वो करते हैं, क्या बोलते हैं, अलग अलग पार्ट में तोड़ते हैं। जो एक्चुअल का फूड का सॉफ्टनिंग वो कौन करता है? एसिड करता है। यकीन ना आए तो हाईली एसिडिक एसिड में चाहे HCl हो H2SO4 हो उसके अंदर डूब जाना, मालूम चल जाएगा कितना सॉफ्ट होता है तो आगे ना। बाई ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। लेकिन आपको जरा सा भी भनक नहीं लगती अंदर क्या हो रहा है आगे ना। हाँ उस टाइम अगर खाने पीने के 10 बार आप दौड़ भाग करने लगेंगे तो मालूम चलेगा अंदर क्या हो रहा है आगे ना। पेट के अंदर गुरगुर करने की आवाज आएगी आगे ना, अलग अजीब अजीब सी आवाज आएगी। और कभी जरूरत पड़ने पर जो फूड मिक्स हुआ है उसका कुछ कंटेंट माउथ के थ्रू आ भी जाता है बाय सम टाइप ऑफ वॉमिटिंग। इसलिए खाने के 10 बाद दौड़ भाग नहीं करते आगे ना। चलना अलग चीज है, दौड़ भाग अलग चीज है आगे ना। दौड़ भाग करेंगे तो कंटेंट स्टोमक है वो बाहर आ जाएगा। अच्छा वॉमिटिंग क्या होती है? अरे वॉमिटिंग क्या होती है, मैं वॉमिटिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सगल बना रहे लोग। हाँ बोलो। बेसिकली इट इज अ एम्प्टिंग ऑफ EMPYT, emptying of stomach content through mouth, that is the vomiting। तो मतलब stomach content को हम empty करते हैं, हम जानबूझ के नहीं करते हैं, वो अपना ऐसा mechanism होता है। अरे हाँ के ना। Yes। तब बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ। तो food mixes with acidic gastric juice by churning movement। आगे ना। और जो उनका मस्कुलर वाल्व होती है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स हो जाने को काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो मिक्स है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक जूस है उनके मिक्स होने के बाद क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? काइम। काइम आप चाइम भी बोल सकते हैं, आप चाय भी बोल सकते हैं, क्लियर है? अच्छा वो जो गैस्ट्रिक जूस है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकला है मतलब स्टोमेक से जो रिलीज हुआ है, उनके पास क्या होती है? म्यूकस होती है, बाइकार्बोनेट्स होती है, हाँ कि ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए? लुब्रिकेशन और म्यूकोसल एपिथेलियम ऑफ स्टोमेक एंड इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द स्टोमेक फ्रॉम बर्निंग। उसको बोलते हैं एक्सकोरिएशन।
मैं एक्स को क्रिएशन बोल रहा था, दैट इज एक्स कोरिएशन। आगे ना इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आप लोगों को, इसमें कंटिन्यू करके वहां पर लिखिए म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। सब ठीक है पार्वती? हाँ सर। शक्ल ऐसे बन रहा है जैसे प्रोटेजन दो ही ले रखी है। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस हेल्प्स इन, हेल्प में मत देखिए खुद करता है ना ये, मैंने क्या बोला म्यूकस एंड बायकार्बोनेट प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस म्यूकस एंड बायकार्बोनेट प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस प्ले इंपॉर्टेंट रोल, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। प्रोटेक्ट क्या बोला मैंने, प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय हाईली कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl व्हिच प्रोवाइड अ पीएच ऑफ 1.8 जो कि बहुत कम है ना, मतलब बहुत कम एसिडिक है, नहीं बहुत ज्यादा एसिडिक, बहुत हाईली, जो कि पेप्सिन को पहले ये जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ना बहुत पहले इनएक्टिव होती है, तो इनको एक्टिव करने के लिए कम पीएच का होना जरूरी है। प्लस दूसरा फैक्टर क्या होता है कि जो वहां पे माइक्रोब्स वगैरह उसको मारने के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात, जो हार्ड जो फूड सब्सटेंस होता है इनको अब्सॉर्ब करने में आसानी होती है। हाँ ना, क्या ऐसी बात तुम लोगों को समझ में आई? आगे बढ़ो। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, तो यहाँ तक था आपका कैनाल और सारी चीजें के बारे में। क्या था क्या कि जो आपके पास एलिमेंट्री कैनाल का बेसिकली व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, हम लोगों ने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में बात किया था, पहला था एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा था आपके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड। मैं पार्वती समझ रहा हूँ आपको मुस्कुरा रही है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड में पहला बात करेंगे हम, किसके बारे में बोलो, वी हैव पूरे इंटेस्टाइन में पूरे का पूरा एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग जगह में अलग अलग ग्लैंड मिलेंगे। एक तो हम लोगों ने सेलिवरी ग्लैंड के बात कर रखा है, पीटीएलिन आएगा, सेलिवरी एमएलएज आएगा, सेलिवा वगैरह ये सारा चीज आएगा, तो दिक्कत है क्या आपको? तो यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो कि कहाँ मिलेगा, स्टमक मिलेगा, कहाँ मिलेगा, स्टमक में, स्टमक, स्टमक बोलो या स्टमक बोलो, बात तो वही है क्योंकि हम उसी मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में पहला मिलेगा आपको चीफ सेल, चीफ गेस्ट नहीं, चीफ सेल, और इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिक सेल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिहाज से, क्लियर। इनको अदर नाम से क्या बोलते हैं हम लोग, जाइमोजन बोलते हैं, कौन सा जन, जाइमोजन सेल्स। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अरे yes. अगर इसका सेक्रेशन के बारे में बात करूं, बेसिकली जो आपका गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव एंजाइम है
और ये इसका लोकेशन कहाँ होती है, जो स्टमक होती है इनके बेस पे प्रेजेंट होती है, जो इसके वाल होते हैं उनके बेस पे प्रेजेंट होती है। काम क्या होता है, इट सेक्रेट, बोलिए, गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव एंजाइम, क्लियर है। जैसे कि जहां जहां लिखा होगा प्रो, उसका मतलब क्या है, इनएक्टिव या एक्टिव, प्रो का मतलब इनएक्टिव, अरे हाँ कि ना, तो प्रो एंजाइम होगा, क्लियर है। यस, क्या इसको हम लोग बोला बोलते हैं, जाइमो जंक्स बोलते हैं, जाइमो जंक्स बोलते हैं। तो और इन एंजाइम को हम लोग क्या एक्चुअल में कौन होता है, वो आपने नाम सुना होगा पेप्सिनोजन, अरे सुना है कि नहीं, यस पेप्सिनोजन, क्लियर है। एंड प्रोरेनिन, अरे नाम तो सुना होगा, यस प्रोरेनिन, कोई दिक्कत है? Nice. है तो बोल सकते हो? नहीं सर, आज आने को बोल रही, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ूं क्या, आगे बढ़ूं? Yes. ये जो चीफ सेल है या पेप्टिक सेल है, सम अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लिपेज ये भी सेक्रेट करता है, क्या बोला मैंने, ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या, गैस्ट्रिक जूस, अरे बोलो तो, गैस्ट्रिक जूस नहीं, गैस्ट्रिक लिपेज, अभी तो बोला मैंने गैस्ट्रिक लिपेज, अच्छा गैस्ट्रिक जो लिपेज है ये किसका किस काम आएगा, एनीवन, अरे लिपेज है ना, लिपिड्स को ब्रेक, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, क्या मैं आगे बढ़ूं, नो सर, इसमें लिखिएगा आप लोग गैस्ट्रिक लिपिड, पॉइंट डाल के लिखिएगा डाइजेशन ऑफ फैट, क्लियर है, फॉर डाइजेशन ऑफ फैट, फॉर डाइजेशन ऑफ फैट, कोई दिक्कत, तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेवल, ठीक है।